हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग गाइस। और आज देख सकते हो कहीं और से व्लॉग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और आज जा रहे लारा के तरफ। प्रियांश भैया बोले कि चलो मैगी पार्टी करते हैं, हम बोले कि चलिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है और 3-4 दिन से पूरा फोगी फोगी डे हुआ हुआ है, और मेरा पूरा वाइजर में भी ऐसा पूरा फॉग आ रहा है। प्रियांश भैया आगे निकल गए थे, हम लोग रुकाए लेकिन हम लोग को देखे नहीं। तो हम और एलेक्स ले लिए सामान जो लेना था। बाकी तो अभी तो गाइस निकल रहे लारा की तरफ, वहीं जाके सो प्रियांश भैया कोई आता है जलाने वलाने। यहाँ रुके हुए थे प्रियांश भैया, आगे निकल गए थे वो। और आज ऐसा हम पावर बैंक भी ऐसा मेरे पास नहीं था आज, तो हम एलेक्स वाला मांगे तो पता नहीं अपने आप ऑफ हो जा रहा है कैमरा, तो हमको बार बार इसको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी तो देख रहे हो गाइस पूरा मौसम क्या मस्त वाला हो रखा है, पूरा फॉगी फॉगी। और यहाँ तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन आगे में सो पूरा जो चारों तरफ पेड़ और बीच में रोड है ना, वहाँ जो ठंडा लगने वाला है ना, वो मम्मी को पता है। ग्लव्स भी लेना पड़ेगा, पर हाथ ठंडा पड़ जाता है। साउंड चेक करो गाइस, इसमें पहले से इतना बेस है और अभी वहाँ पे ट्रोटल दे दिए टनल में। और एलेक्स का गाइस जैसे जो चैनल था वही है सब सस्पेंड हो गया, तो वो अब व्लॉगिंग मोटर व्लॉगिंग छोड़ ही दे रहा है। एक हम लोग की तरफ से कम हो गया, अब हम लोग पहले 4 थे, अब 3 हुआ, अब 2 हो गए। अब हजारीबाग में भी बाहर बाहर से मोटे व्लॉगर आने लगे हैं कुछ एक दो प्लेस के लिए। कहाँ छूट गए बोलो, कुछ ज़्यादा ही तेज आ जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा ड्राइवर के साथ, पीछे ही है वो लोग भी। और आज छोटा मोटा मैगी पार्टी करेंगे। पहले हम लोग का बहुत पहले प्लान था जनवरी से पहले ही कि चलते एक दिन वहाँ पे करेंगे, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था उतना, क्योंकि मेरा भी ट्यूशन रहता था शाम में, तो हमको जल्दी आना पड़ता था। तो आज थोड़ा जल्दी निकले हुए, आज भी ट्यूशन है शाम में, लेकिन आज थोड़ा जल्दी निकले हुए। और देख रहे हो आगे फॉगी फॉग पूरा, ये वेदर काफ़ी अच्छा लगता है हमको। हमको ये वाला भी ब्रेकर याद था, क्योंकि एकदम जस्ट टर्न पे ही ये ब्रेकर है, और एक आगे में भी एक जो है पूरा टर्न पे ही ब्रेकर है। पर हमको ऐसा लग रहा है हम कुछ जल्दी आ जा रहे हैं, नहीं नहीं पीछे ही वाला। इसको बोलते पिंजड़ा पोल, जो पिछले एक ब्लॉग में हम लोग आ चुके हैं, ये कवर कर चुके हम लोग एक ब्लॉग में, जो भी नहीं देखे होंगे गाइस वो जाके देख ले। देखो गाइस हम यही वाला रास्ता बोले थे कि दोनों तरफ पेड़
ऊपर से भी पेड़ आधा से डाल ढका ही हुआ था, देख रहे चारों तरफ से पेड़ ही और बस बीच में रोड, कितना ज़्यादा ठंडा लगता है यहाँ पे। तो प्रियांशु भी अपना फुल ग्लव्स व्लव्स पहन के चल रहे हैं। ऊपर में तो हम बस एक जैकेट पहने हुए और अंदर एक टी शर्ट है और नीचे बस जीन्स और जूता और कुछ नहीं पहने हुए, सॉक्स भी पहन के नहीं आए हूँ। जल्दी जल्दी मैं सॉक्स ही पहनना भूल गया। अचानक से गियर पता नहीं इतना टाइट कैसे लगने लगा मारने में। गियर इतना, गियर डाउन करने में बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। एक बार उतरते गियर ऑयल लीक कर गया। डाउन करने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा। ना ना गियर ऑयल लीक कर गया। हाँ वो वहाँ पे निकल के गियर के आगे में फंस गया था, जिसकी वजह से गियर ही है तो नीचे डाउन नहीं हो रहा था, तो नट भी ढीला, उसको जाकर टाइट कराना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे चलेंगे, पता नहीं कब निकल जाए नट वो।